हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण, बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, और सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, और डी अत्यधिक भार के कारण। इसका उत्तर है वायुदाब में कमी के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, और सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका उत्तर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, ऑप्शन ए स्थिर तथा शांत होगा, बी वर्षा युक्त होगा, सी ठंडा होगा, और डी तूफानी होगा। इसका उत्तर है तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायुदाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, और डी वायुदाब घट जाता है। इसका उत्तर है वायुदाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस प्रकार होता है, ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियो सक्रियता, और डी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, और डी संचित ऊर्जा। इसका उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन ए चली हुई गोली, बी बहता हुआ पानी, और सी चलता हथौड़ा, और डी खींचा हुआ धनुष। इसका उत्तर है खींचा हुआ धनुष। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, और डी तीन गुना बढ़ जाती है। इसका उत्तर है चौगुनी हो जाती है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी अपकेंद्रीय बल, और डी बाह बल। इसका उत्तर है अपकेंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो, ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, और सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, डी न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। इसका उत्तर है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं।